हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है यार आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, इन्जॉय करूँगा अपनी लाइफ को। वेलकम बैक हो गया जी आप सबका हमारे डेली रूटीन के एक न्यू ब्लॉग के अंदर। अभी ना मैंने आज आके ना सबसे पहला काम क्या किया कि ना आज ना मैंने इस मुर्गी को, असील मुर्गी को बच्चे वालों के जो है ना थोड़ी देर के लिए खोल दिया, ताकि ये जो है ना थोड़ा सा अपने बच्चों को बाहर आके और नहाना वगैरह भी सिखाए और जो है ना इनको लेके बाहर आके खुद भी नहाए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया ये जो है ना मिट्टी के अंदर नहाई नहीं है। तो नहा लेगी तो जो अगर कोई इसके अंदर वो होगा, जुएं वगैरह इसको लगना शुरू हुई होंगी या गंदी होगी, तो वो जो है ना साफ़ सुथरी हो जाएगी। और आज ना मैंने आके इन बैंटम्स को भी थोड़ी देर खोला, क्योंकि जो है ना बैंटम की मुर्गी अभी हुई हुई है थोड़ी सी बीमार, इसकी ट्रीटमेंट चल रही है, दवाई वगैरह डाल रहे हैं, 3-4 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी जो है ना ये बहुत ना सुस्त हुई है, मतलब कि ज़्यादा चलती फिरती नहीं है और एक ही जगह पे बैठे रहती है इस तरह से। तो अभी इसको भी हमने थोड़ी देर खोला ताकि ये भी जो है ना बाहर निकल के ज़रा रिलैक्स करे। बाकी पिजन को भी खोल दिए, उनको दाना वगैरह डालते हैं और इनको मुर्गियों को सारों को फीड वगैरह भी डालते हैं। अभी हमने फीड वगैरह डाल दिया सारों को। और अभी ना एक काम क्या हुआ था कि ये जो है ना उड़ के चला गया था पीछे पीछे जाके ना प्लाट के अंदर जाके बैठ गया था, तो इसको भी इसका उड़ना इसका पूरा नहीं हुआ, लेकिन अब जो है ना इसने उड़ने की कोशिश शुरू कर दी है। और यार ये हम मंडी से लेके आए थे फीमेल समझ के, लेकिन ये भी जो है ना मेल निकला है। अब हमें जो है ना 2 फीमेल शॉट हैं जो कि हमने लानी है, तो वो भी जो है ना इंशाल्लाह 1-2 दिन तक हम लोग लेके आएंगे, एक इस वाले मेल के लिए और एक जो हमारा पहले वाला मेल था उसके लिए, उन दोनों के लिए जो है ना अब हमने फीमेल लानी है। तो यार अभी जो है ना दोपहर का टाइम हो गया, हम लोग फार्म पे आए हैं और मैंने आके ना सबसे पहले इस मुर्गी को देखा है, क्योंकि मुझे पता था इसके बच्चे जो है ना हैच होने वाले हैं। मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं आती, मैं डेट देखने आया था मेनली, लेकिन अभी जब मैंने आके देखा है ना, तो एक तो बच्चे जब अंडे हम उठाते हैं उनका वजन देख के आइडिया हो जाता है कि अंडे ठीक हैं या ख़राब हैं, तो मैक्सिमम तो मुझे ख़राब ही लग रहे हैं, लेकिन फिर भी हम चेक करते हैं। एक है जो फंस गया, जिसने थोड़ा सा पिपिंग स्टार्ट किया, लेकिन अब जो है ना फंस गया ह्यूमिडिटी की वजह से, और बाकी एक अभी पिपिंग उसकी स्टार्ट हुई है, जो फंसा हुआ है उसको हम निकाल देते हैं और बाकी जो है ना हम लोग कैंडलिंग कर लेते हैं कि कितने ठीक हैं, जो ख़राब होंगे वो जो है ना हम उठा के ले जाएंगे और फेंक देंगे। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये जो है ना अब यहाँ पे फंस चुका है, ये अब इसके बाद आगे हैच नहीं होगा, तो अभी हम ना इसको निकाल देते हैं। और एक और है जिसके जो है ना अभी पिपिंग स्टार्ट हुई है, शायद से ये वाला है या ये वाला है, ये वाला है, ये यहाँ से इसने की पिपिंग स्टार्ट हो गई, इसको भी हम थोड़ा सा छील के देख लेंगे इसका क्या सीन है अंदर। बाकी यार अभी ना मैंने कैंडलिंग कर ली है, ये 4 अंडे बिल्कुल ही ख़राब हैं, बाकी में फिर भी बचा है। और ये जो है ना ये मैं क्या कहूँ, ये जो है ना थोड़ा टाइम से पहले निकल रहा है, हैच हो रहा है, और वो इस वजह से क्योंकि आज इसको जो है ना है 19वां दिन, इसको तकरीबन कल हैच होना शुरू होना चाहिए था, लेकिन ये जो है ना टाइम से पहले हो रहा है और अभी फंसा हुआ है, तो हम इसको निकाल देते हैं। बाकी बाकियों को तो अभी थोड़ा सा टाइम है, और जो एक और हो रहा है वो भी शायद हम इसको अब चेक करते रहेंगे, यानी सुबह दोपहर शाम, कि वो निकल रहा है या नहीं। अगर वो नहीं निकलेगा तब जो है ना हम उसको भी निकाल देंगे कल या परसों, जैसे उसका दिन पूरा होगा। बाकी इसको अभी हम निकाल देते हैं, लेकिन इसको निकालने का एक जो है ना वो होगा, डिसएडवांटेज होगा कि ना शायद से मुर्गी अंडों पे बैठना बंद कर दे, क्योंकि वो बच्चे को लेगी और इधर उधर फिरना शुरू कर देगी। तो देखेंगे अगर इसने इस तरह का काम शुरू किया तो जो है ना हम इस बच्चे को 1-2 दिन के लिए लैदा कर लेंगे, फिर जो है ना जब बाकी बच्चे निकल आएंगे तब हम इसको वापसी से साथ छोड़ देंगे। बाकी यार वो जो है ना बच्चा मैं थोड़ा सा निकाल के वहाँ पर रख आया हूँ, उसके जो है ना थोड़ा सा ब्लड था, तो मैंने इसको इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया, वो उसको मैंने वैसे ही छोड़ दिया। बाकी ये ख़राब अंडे में उठा लाया हूँ, इसको भी जो है ना हम फेंक देते हैं। और एक और बैड न्यूज़ है कि जो है ना आज बैंटम की मुर्गी एक्सपायर हो गई है, तो काफ़ी दिन से हम दवाई वगैरह दे रहे थे, लेकिन अभी जब दोपहर को आया हूँ तब जो है ना वो एक्सपायर हुई पड़ी थी, अभी मैंने उसको उठा के तो फेंक दिया, और अब जो है ना हमारे पास ये मेल अकेला रह गया। बाकी यार अभी जो है ना शाम का टाइम हो गया, शाम के टाइम हम आए हैं, अभी सबसे पहले ना हम उसी चिक को देख लेते हैं कि उसकी ना क्या कंडीशन है, क्योंकि दोपहर को जितना सुस्त था मुझे मुश्किल ही लग रहा था कि वो जो है ना सर्वाइव करे, लेकिन अभी माशाल्लाह से ये वहीं पड़ा है इसी की शेल के अंदर, इसको पूरा ही निकाल देते हैं ताकि जो है ना ये ज़रा एक्टिव वगैरह हो। ये ब्लड है इधर, इसको निकाल दिए, अभी इसको सीधा कर देते हैं। ये जो है ना ये देखें सारा इसके अंदर जो है ना ब्लड था, तो अभी जो है ना इंशाल्लाह ये सेटल हो जाएगा खुद ब खुद ही। हमने मुर्गियों को सारों को बंद कर दिया, यहाँ पर मैंने करता है अपना ब्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा।
अगर ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबा दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक किस तरह पहुँचती रहें। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे अपने ब्लॉग के अंदर। अल्लाह हाफिज़।